व्हाट्सअप गाइज, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग अपने पीसी या लैपटॉप से पासपोर्ट साइज का फोटो कैसे बनाकर प्रिंट आउट निकाल सकते हैं मात्र 5 मिनटों में। जी मैं 5 मिनटों में बताने वाला हूं कि आप लोग अपने फोटो के बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, कैसे आप लोग अलग कोई भी बैकग्राउंड में आप लोग स्ट्रोक वाले इफेक्ट देंगे जिसको हम लोग बॉर्डर बोलते हैं, और कैसे हम लोग अपने इमेजेस में अपने किसी भी फेस को स्मूथ करिए, कैसे लाइटिंग, कैसे कर्वेस, कैसे कलर बैलेंस करेंगे, और कैसे हम लोग A4 के साइज में अपना प्रिंट आउट करेंगे। मतलब इस वीडियो में ना सारा कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लीजिए, आप लोग किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी, ताकि इस वीडियो में आप लोगों को सारा टोटल एलोब्रेट करने वाला हूँ और कि कैसे फ़ोटो को एकदम एडवांस लेवल का बनाए जाते हैं। तो आप लोग यदि इस वीडियो को अंत तक बने रहेगा, ताकि मैं इसमें बहुत सारे सीक्रेट बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पे ओवरव्यू दिखाने के लिए फ़ोटो को ओपन किया हूँ, और मैं आप लोग को थोड़ा सा इसमें ओवरव्यू दिखाता हूँ कि इस फोटो में देख रहे हैं ना कि यहाँ पे ब्लर है, और इसको भी मैं आपको स्मूथ करना भी सिखाऊंगा। तो इसके लिए आपके पास जो भी लैपटॉप पीसी है उसको आप लोग ओपन कर लीजिएगा। मैं यहाँ से बैक आता हूँ और फोटोशॉप पर मैं क्लिक करके फोटोशॉप को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आपको कुछ फोटोशॉप का ये आइकन, आपके पास कोई भी वर्जन हो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमारे पास न्यू वर्जन है PS फोटो, ठीक है, 2021। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर आप लोग नीचे देखिए रेड में सब्सक्राइब बटन देखिएगा, उस पर भी क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एडोब फोटोशॉप हमारे पास ओपन हो रहा है, और ओपन होने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है, और आपके सामने इस तरह का ऑप्शन शो होगा। आप राइट के और देखेंगे कुछ ऑप्शन आपको यहाँ पे सर्च का दिखेगा, लेकिन आपको जैसे लेफ्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, आपको लेफ्ट वाले साइड में जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक क्रिएट न्यू और ओपन, मतलब आपको क्रिएट न्यू वाले पर क्लिक करना है। और क्रिएट, जैसे आप लोग क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है। रिसेंट में तो आपको यहाँ पे योर जो भी साइज होंगे ये आपको मिल जाते हैं, लेकिन आपको एक यहाँ पे फ़ोटो का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप लोग जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे प्रीसेट मिल जाते हैं। ठीक है, आप लोग जो भी चाहे वो अपने हिसाब से अकॉर्डिंग ले सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक चीज़ ले लेता हूँ, मैं यहाँ से कोई भी एक चीज़ को सेलेक्ट कर लेता हूँ, A4, चलिए ये लेता हूँ 36 का। और 36 का लेने के बाद आपके सामने ये कुछ इस तरह का आएगा, तो मैं आपको थोड़ा से जूम अनजूम करके दिखाता हूँ। और मैं इसको यहाँ पे एक मूव टूल जिसको बोलते हैं, मैं इस पर क्लिक कर दिया हूँ, ताकि यहाँ पे कुछ अलग ऑप्शन आ रहा था, तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग के पास ये जो मूव टूल है इस पर मैं क्लिक करके यहाँ से मैं अनटिक कर दिया हूँ, और उसके बाद हमारे पास ये बॉक्स आ चुका है। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ अनजूम, इसको मैं इस तरह से कर देता हूँ, ये साइज रहा। अब अपने फ़ोटो को इसमें ऐड करना है, तो फ़ोटो ऐड करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं। आप लोग इस पर भी डबल क्लिक कर सकते हैं, या तो आप लोग यहाँ से अपने पीसी में जाइए और जहाँ पर भी आप लोग फ़ोटो रखे हैं बस उसको ले लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर फ़ोटो को ऐड कर लेता हूँ, जो भी फ़ोटो आप लोग खींचे हैं अपने हिसाब से आप लोग ले लीजिएगा। हमारे पास यहाँ पर फ़ोटो रहा, और मैं इस फ़ोटो को अपने PS में दबा कर, या कहा जाए तो पुश कर, यहाँ पर लिया कर छोड़ेंगे होल्ड करके, और यहाँ पे कॉपी है, इसका मतलब ये सपोर्ट कर लिया है। अगर ये सपोर्ट नहीं करता है तो यहाँ पे आपको प्लस का ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये जो आपका मैं दिखा रहा हूँ ये हिडन सीक्रेट आपको पता होना चाहिए। मैं इस पर एक क्लिक कर देता हूँ और ये फ़ोटो आ चुका है। राइट, मैं अब यहाँ पर जो आपको देख रहे हैं कि ये सारा सेलेक्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक मूव टूल का जो ऑप्शन आपको शो कर रहा है बस इस पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे हमारे पास ये अनटिक हो जाता है। अनटिक होने के बाद हम लोग इसको आप जैसे चाहें वैसे एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो ये बैकग्राउंड है ना ये वाइट है, इसको हम लोग रिमूव करेंगे, यहाँ पे कोई भी और अलग बैकग्राउंड लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जो हमारे पास A4 का जो पेज है इसका बैकग्राउंड चेंज करना होगा, तो उसके लिए हम लोग आते हैं राइट में, नीचे देखेंगे आपको यहाँ पर हाईलाइट जो माउस, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो माउस आपको दिख रहा है ये कलर वाले ऑप्शन पर आपको आना है, ये कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। राइट, मैं यहाँ से बैक, और मैं इसको एक बार सेलेक्ट अनसेलेक्ट करके यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पर मैं आ जाता हूँ, और इसके बाद यहाँ पे कलर का कुछ ऑप्शन आ जाता है,
जहाँ पे कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं। चाहे सॉलिड कलर पर मैं क्लिक करता हूँ और हमारे पास ये कलर आ गया। मैं यहाँ पे कौन सा कलर रखना चाहूँ, ये या ये, जो भी आप लोग कलर रखना चाहते हैं आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं। आजकल अपने हिसाब से लोग आप एडजस्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं कलर को कर लेता हूँ ये और डन। यहाँ पे कलर तो मेरा ऐड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो मेरा फ़ोटो था वो कहाँ पे चला गया भाई, हाइड हो गया, फोटो दिख ही नहीं रहा है। तो उसके लिए हम लोग राइट में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये राइट में जो ऑप्शन आपको शो कर रहा है इसको बस आपको ऊपर कर देना है, राइट ऊपर कर देना है इस तरह से। और ऊपर करने से या आप लोग इस बैकग्राउंड को ऊपर कर दीजिए या फ़ोटो कर दीजिए, बस सेम चीज़ है। और उसके बाद हम लोग यहाँ से अनजूम करते हैं और देखते हैं कि हम लोग का फ़ोटो जो है कि वो आया है कि नहीं आया है। चलिए फ़ोटो को मैं यहाँ पे कर देता हूँ और ये फ़ोटो मेरा आ चुका है। यहाँ पे लेयर पर ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर होना चाहिए ये लेयर, ठीक है, ये वाला जो चीज़ें हैं आपको दिख रही है ये वाला, इसको ऊपर होना चाहिए। अब मैं इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ। अब सेलेक्ट करने के बाद बस आपको फ़ोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ये सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपको एक पॉइंटर बन कर आ रहा है, ठीक है, ये पॉइंटर जो ऑप्शन आपको बन रहा है इसको आप लोग चाहें तो अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इसको अपने हिसाब से क्या है कि कस्टमाइजेशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग इसका बैकग्राउंड को हटाएंगे, जो वाइट बैकग्राउंड है, ताकि इसमें ये मैच नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग एराइज टूल का इस्तेमाल करेंगे। तो एराइज टूल के लिए हम लोग आते हैं यहाँ, जो आपको एक एराइज टूल का ऑप्शन मिलता है, ठीक है, एराइज टूल वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देते हैं, राइट। एराइज टूल वाले ऑप्शन पर हम लोग जैसे क्लिक करते हैं नीचे में, तो आपको यहाँ पे एक मैजिक टूल एराइज मिलता है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिक बस इस पर ले जाएगा। एक बार प्रेस कर देना इस तरह से, यहाँ पे अभी डन, और यहाँ पे एराइज टूल पर हम लोग क्लिक करके और मैजिक टूल लेते हैं और यहाँ पे एक बार ले जाकर छोड़ेंगे और हमारा यहाँ पे ऑटोमेटिक बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। अगर आपका बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता है तो इसका मतलब है कि कोई मल्टीपल कलर वाले अगर बैकग्राउंड होती है, जैसे कि बहुत सारे अलग अलग कलर होता है, तो उसमें सिलेक्शन टूल की आवश्यकता होती है, उसके बाद आप लोग रिमूव करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ठीक है, पीछे का बैकग्राउंड भी रिमूव कर लिए, तो अब आप लोग को ये दोनों लेयर को एक कंपेयर करना है, मीन्स एक करना है। तो आपको यहाँ पर लेयर वाले जैसे कि सेक्शन में आते हैं, तो यहाँ पर आपको मार्जिंग करना होता है, लेयर को जोड़ना होता है। तो उसके लिए हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और नीचे मार्जिंग विजुअल का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और ये हो जाएगा, राइट। अब इसको आप लोग जहाँ भी लेकर जाएंगे ये सेम एक साथ ही जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं। अब हम लोगों को इसको सिलेक्शन करना है, तो हम लोग इसके लिए रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि रेक्टेंगल आपके सामने, रेक्टेंगल आपको यहाँ पर इस तरह से शो होता है, ठीक है, और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग अब सिलेक्शन इसको करेंगे। आप लोग अच्छे से सिलेक्शन करना, और उसके बाद हम लोग इसको इस तरह से ले आकर ऐड करेंगे, राइट। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि मेरा अच्छे से एडजस्ट हो चुका है और यहाँ पे निकल भी चुका है। अब यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद अब इसके लिए हम लोग फाइल वाले ऑप्शन पर जाते हैं, राइट। फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करिएगा, यहाँ पे नी फाइल लीजिएगा और यहाँ पे जो भी फाइल लेना है आप लोग ले लीजिए। मैं लेने वाला हूँ 2-3 और क्रिएट, और उसके बाद हम लोग इसको बैक करते हैं और यहाँ पर ये फाइल है और उसके बाद ये फाइल है। तो चलिए हम लोग दोनों फाइल को अपने कंपेयर यहाँ पे इस तरह से करते हैं, थोड़ा से अच्छा होगा वर्क करने में, राइट। और ये देख रहे हैं कि इस पर हम लोग जैसे फोटो पर क्लिक करते हैं तो हमारा एक सिलेक्शन अच्छे तरह से हो चुका है। अब उसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे मूव टूल पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये इस तरह से सिलेक्शन जो है ये चलना या ब्लैंक होना शुरू हो जाएगा या टिमटिमाना शुरू हो जाएगा। बस इसको हम लोग एक बार इसको अपने माउस को पुश करके रखेंगे और यहाँ पे ले आकर ड्रैग कर देंगे इस तरह से। ये फ़ोटो आपको दिख रहे हैं कि आ चुका है, राइट। अब इसको हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, लेकिन फ़ोटो में बैकग्राउंड यहाँ पे देख रहे हैं कि नहीं है। यहाँ पे फ़ोटो में देख रहे हैं कि मेरा जो स्टोक होता है, जो बॉर्डर होता है, यहाँ पर नहीं है। तो अब हम लोग बॉर्डर लगाना सीखेंगे। बॉर्डर कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम लोग इस फ़ोटो पर सेलेक्ट करेंगे और एडिट वाले सेक्शन पर जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि ये है हाइट। ये स्टोक जो लगाने का यहाँ पे
ऑप्शन होता है वो हाइड है, तो उसके लिए हम लोग इस पर क्लिक करके जाएंगे इस वाले सेक्शन पर, और ये सिलेक्शन हो चुका है, ये वाला सेक्शन आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करके ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप लोगों को एडिट वाले ऑप्शन पर जाना है। एडिट वाले ऑप्शन पर जाने के बाद आपके सामने यहाँ पे स्टॉक जो है वो यहाँ पे इनेबल हो जाएगा, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और मैं यहाँ पे थोड़ा से अनज़ूम करके आपको दिखाता हूँ। एडिट वाले सेक्शन पर आइए और आपको यहाँ पे एक स्टॉक इस पर क्लिक कर दीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग कितना लेंथ रखना चाहते हैं, वाइट ब्लैक जो भी है आपको यहाँ पर रख के डन करिए, और ओके। यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा एकदम बेहतरीन बैकग्राउंड भी लग चुका है, लेकिन हम लोग चाहते हैं इसको कम करना है, तो फिर हम लोग एडिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और पहले इस फोटो को सिलेक्शन करेंगे। एडिट वाले सेक्शन पर जाकर हम लोग स्टॉक को यहाँ पर करेंगे 4, चलिए यहाँ पे करते हैं 3 और नेक्स्ट, और यहाँ पे 3 हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग फोटो को अच्छे तरह से सिलेक्शन करके और यहाँ पे इसको छोटा करेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा इसको हम लोग स्पेस देंगे ताकि हम लोग कट भी करना होता है प्रिंट आउट करने के बाद, तो यहाँ तक इतना। उसके बाद हम लोग ऑल्ट दबाएंगे, ऑल्ट दबाकर हम लोग इसको डुप्लीकेट करेंगे, राइट। तो हम लोग मूव टूल पर आते हैं और उसके बाद ऑल्ट बटन दबाकर उसके बाद इस तरह से हम लोग कॉपी करते जाएंगे, इस तरह से ऑल्ट बटन दबाकर, राइट। तो अब है मेरा यहाँ पे 4 ही फोटो आ रहा है, तो हम लोग कंट्रोल जेड करते हैं और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक कर देंगे। तो हम लोग इस पर क्लिक करेंगे लेयर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पे मार्जिन जो विजिबल है इस पर क्लिक करेंगे, एक हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग अल्ट बटन दबाकर और उसके बाद यहाँ पे डुप्लीकेट इस तरह से करते चलेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका फास्ट काम हो जाता है। मात्र आप लोग 5 मिनटों में इस तरह से कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए मिस्टेक हो जाता है, कंट्रोल जेड दबाइए और उसके बाद फिर से आप लोग अल्ट बटन दबाइए और नीचे लाइए इसको। यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है तो मैं इसको एक बार फिर से सीधा कर देता हूँ, और उसके बाद अब आपको यहाँ पे ये फ़ोटो कंप्लीट तैयार हो चुका है, राइट। मैं इसको एक बार क्रॉस कर देता हूँ और ये फ़ोटो मेरा तैयार हो चुका है। अब इसको हम लोग प्रिंट आउट करना है, लेकिन इससे पहले हम लोग इसको सेव करेंगे। तो फाइल वाले ऑप्शन पर आएंगे और आपको सेव एस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और उसके बाद आप लोग जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं, चलिए मैं डेस्कटॉप करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे ऑल फोटो फोटोशॉप, और उसके बाद सेव कर देते हैं, सेव हो चुका है। अब उसके बाद हम लोग प्रिंट आउट करना है, तो इसके लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे शेयर फाइल वाले ऑप्शन पर आकर, आपको यहाँ पे एक दिखेगा नीचे आएंगे, तो आपको जैसे आप लोग फाइल वाले ऑप्शन पर आते हैं, नीचे आने के बाद एक प्रिंट आउट मिलता है, इस पर क्लिक करिएगा या कंट्रोल पी दबाइएगा, और यहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ फाइल, ये माइक्रोसॉफ्ट, और आप लोग यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट करिएगा, ठीक है, प्रिंटर जो भी रहेगा यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा, और उसके बाद यहाँ पे कॉपी 1, और यहाँ पे सेटिंग में जाकर आप लोग यहाँ पर 1/4 कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट आउट डन करिएगा, आपका प्रिंट आउट होना शुरू हो जाएगा। सो आई होप ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है, जरूर इस वीडियो को आप लोग अगर पसंद आए तो लाइक भी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है कि कैसे आप लोग अपने फेस को स्मूथ कर सकते हैं, वो भी मैं वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा। तो चलिए आइए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।